मैम समझ में या लुखिया तुम मुझे एक सेकंड दे दो ओके ठीक है ये तो ये नाड़ी तू पकड़ ये नाड़ी नहीं है कैन नानू को होना चाहिए था बोल एक्शन अरे आ ही ना है आपको फोटो में भी आना चाहिए या सिर पे हाथ रखिए हमारे लेकिन कम फ्रॉम दैट साइड विल कम इन द फ्रेम इधर इधर अरे टिश्यू लाओ अरे वर्मा जी को पहले वर्मा जी पहले पैसे वाला पहले पैसे वाला चलिए दुर्गेश नितिन कुमार रघुवंश दुर्गेश मुझे जब से वो दिन याद आ रहा है जब मेरी एडमिट ये वाला एक्चुअली एक बहुत अच्छा गुलदस्ता बन गया है ये इसमें फ्यूजन का भी रंग है हाईली मेलोडियस गाना बनाया है दुर्गेश ने और साथ ही गाने वाला जो आज के ज़माने का बच्चा है और बड़ा क्या कहते हैं ना कि बढ़ता हुआ बच्चा है जिसके साथ मुझे उसने संभाल लिया है और एक बहुत अच्छा गाना हमने हमारे सभी माई बाप सुनने वालों के सामने लाया है उसकी प्रोड्यूसर हमारी पद्मा वाडकर जी हैं और क्रिएटिव में मेरी बेटी अनन्या और हमारे सीईओ हैं नितिन रघुवंशी तो मुझे मालूम नहीं था आईवी के बारे में बहुत सारा मेरी बेटी अनन्या ने आईवी को बहुत यूट्यूब पे सुना था अनन्या ने पद्मा ने तो इनका एक विचार बन गया कि क्या सुरेश वाडकर के साथ कोई गाना इस तरह का बन सकता है तो इन्होंने फिक्स करके मुझे सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया इसके गानों से यूट्यूब पे मैंने बोले तो अच्छा भला गाता है और सीखा हुआ है ऐसे ही गाता नहीं है सीख के गाने वाला लड़का है तो ज़्यादा अच्छा लगा और फिर दुर्गेश को कांटेक्ट किया ये और भी एक बहुत ही टैलेंटेड बच्चा कि इसकी फैमिली के साथ हमारे बहुत बहुत पुराने हमारे ताल्लुकात हैं तो एक कॉन्सेप्ट लेके कि एक बच्चा कनाडा से आता है एबी इज़ फ्रॉम कनाडा हमको मिलता है तो उसके साथ यहाँ पे कैसा उसको एटमॉस्फेयर लगा
उस कंसेप्ट को लेके ही गाना लिखा गया। और इतना खूबसूरत गाना कंपोज किया दुर्गेश ने, उसमें मेलोडी जान है एक्चुअली, जिसको बोलते हैं ना एक मीठा गाना, अच्छे वर्ड्स, अच्छी अरेंजमेंट सब दुर्गेश ने किया हुआ, और एक बहुत खूबसूरत सा गुलदस्ता बना के उसने सामने रखा। और उसको थोड़ा सा मिक्स एंड मैच आज के ज़माने के साथ, हमारा आजीवासन गुरुकुल जो है उसको भी उसमें ऐड किया गया। सारा गाना हम लोगों ने यहीं पे पिक्चराइज किया। ऑल टुगेदर इतना खूबसूरत बन गया है कि मुझे जो फ़ोन आ रहे हैं देख के सुन के मेरे दोस्तों के, कि बोलते यार कितना अच्छा सोच के एक अच्छा थीम रख के ये गाना तुम लोगों ने प्रोड्यूस किया है, और बहुत लोगों ने उसको ऑलरेडी लाइक किया हुआ है। और मैं बड़ा धन्यवाद करूँगा मेरे माई बाप सुनने वालों का, दुर्गेश का, एबी का, पद्मा का, नितिन जी का, कि एक अच्छे गाने में मुझे भी शामिल किया है उन्होंने। एबी जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, जैसा कि सर ने बताया, ऑडियंस का भी कहना है कि गाना बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चराइज किया गया, जिस तरह से वीडियो हमें देखने को मिला। जी, सबसे ज्यादा मनाना आपके लिए किसे बहुत ही ज्यादा इजी था, सुरेश जी को या प्रोड्यूसर पद्मा जी को मनाने में, किसे मनाने में? नहीं, सही बात तो ये बोलो कि मेरे को मनाने में कोई था ही, आई मीन देयर वाज नो नीड फॉर दैट, बिकॉज जो हम बोलते हैं क्रिएटिव पार्टनरशिप, दैट आई थिंक दिस हैज यू नो स्टूड टॉल फॉर दैट, बिकॉज जो भी हम आइडियाज पहले मीटिंग से ही जो भी आइडियाज हम सारे के थे, इट वाज ऑल वेरी रिस्पेक्टेड, एंड हमेशा देयर वाज, मैं इतना जूनियर हूँ सर से एंड यू नो एंड पद्मा जी से भी, बट नेवर वंस वाज आई मेड कि नहीं आप तो ऐसे गाने के लिए आप हम कोलैबोरेशन के लिए बुला रहे हैं, गाना तो हम करेंगे, दैट वाज नेवर द थिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, यू नो। एंड दैट आई हैव टू थैंक पद्मा जी, सुरेश जी एंड नितिन सर एंड एवरी वन फॉर मेकिंग मी फील लाइक आई एम पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड जहाँ पे मेरे इनपुट्स वर सो वैल्यूड एंड सो रिस्पेक्टेड, एंड नॉट ओनली दैट आई वॉज मेड अ पार्ट ऑफ द आजीवासन फैमिली, यू नो, जो भी यहाँ पे सेलिब्रेशन होती हैं, जो भी यू नो कितनी बार मैं घर पर आके मैंने खाना खाया यहाँ पे, यू नो दैट माहौल एक जैसे सच में परिवार की तरह बन गया वो, तो आई थिंक मनाने का तो था ही नहीं, बट ऑलवेज वी हैड आर यू नो आर इनपुट्स देयर, बट ऑफकोर्स पद्मा जी के साथ तो बात बहुत मेरी, यू नो हम बहुत डिस्कस करते हैं कि वो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो हमेशा फ़ोन करके हम, तो शी हैज़ बीन वेरी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, तो उनके साथ बहुत सारी प्लानिंग बहुत सारी उनके साथ ही मेरी हुई। सर, हम दूसरी बार आपको म्यूजिक वीडियो में देख रहे हैं, तो बताइए, हम ऐसा माने कि अगेन एंड अगेन हम आपको देखेंगे इस तरह से म्यूजिक वीडियो में? पहला गणपति बाप्पा पेज में हमने आपको देखा था, लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया था, एंड नाउ मान दे। सबसे पहले तो ये बताइए आपको पसंद आ रहा है कि नहीं मेरा आना? हमें बहुत ही पसंद है। एक्चुअली अलग सा एक्सपीरियंस होता है, और आपको स्क्रीन पे देखना, वैसे आजकल तो ये देखने का मीडियम हो गया है ये जो, तो यूट्यूब पे या ऐसी फंक्शनों की जो वीडियोस आती है टीवी पे, तो अपना ऐप को देख के भी थोड़ा सा भी अच्छा ही लगने लग गया है। तो अभी इन्होंने कहा कि नहीं तुमने भी इसमें काम करना है, तो प्रोड्यूसर की तो बात सुननी पड़ती है, और ये भी प्रोड्यूसर ही है इसका, इस गाने का, तो मैं तो एज अ एक्टर और वर्कर मैंने इसमें मुझे भी लिया, और अच्छा लगा। मैं पहले बहुत टालता था इन चीज़ों को, अभी भी बहुत जल्दी से तैयार नहीं होता हूँ, मगर अभी एक दो गाने मेरे देख के लोगों ने बहुत पसंद किया, गणपति वाला गाना भी आप लोगों ने उसको बहुत सराहा, पसंद किया, तो तब से लगता है अभी शायद किसी दिन फिल्म भी कर लूँगा। हाँ,
तो अगर आप में से कोई प्रोड्यूसर है तैयार तो आज ही साइन कर लीजिए, और मज़ा आ रहा है। और ये जनरेशन जो है आज की, ये थोड़ी क्या कहते हैं ना कि बड़ी खुले मन की है। हम लोग थोड़े से संकोच करते थे, मगर अभी ये संकोच टालना पड़ेगा, समय के साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो और पिछड़ जाएंगे। तो अच्छा ही लग रहा है ऑल टुगेदर। जब जब भी कोई ऐसा गाना होगा मैं भी काम करूंगा। सर आपने राज कपूर साहब का भी एक दौर देखा है, बीच में भी कितने सारे डिकेड्स आपने निकाले, आज करण जौहर साहब का भी आप दौर देख रहे हैं। एक इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बदलाव आया है, ये तो आप भी एक्सेप्ट करोगे। जो इंडियन म्यूजिक का अपना एक जो होता है ना क्लास था, उसमें वेस्टर्न म्यूजिक का बहुत ज़्यादा अमोलिनेशन कर सकते हैं या बहुत मिक्स हो रहा है, इसको आप किस तरीके से कंसीडर करते हैं? ये सही है या इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का अपना अस्तित्व बचा के रखना उतना ही जरूरी है? बहुत अच्छी बात कही है आपने, इसको बचाना तो हमारा ही धर्म है, हमारा कर्तव्य है रादर। और वेस्टर्न का इन्फ्लुएंस होना कोई बुरी बात नहीं है, वो तो आपने दिल क्या प्रीत पराई फिल्म में अजीब दास्ता है ये क्या है, वॉल्ट्स टाइप का है ना, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। तो ये तब से, मगर जैसे हम लोग अपनी थाली में दाल होती है, रोटी होती है, अचार भी होता है, थोड़ा सा नमक भी रखते हैं। हमारे मराठी थालियों में आपको नमक अलग सा रखा हुआ आपको मिलेगा। तो ये नमक और अचार की तरह बीच बीच में आना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। अगर थाली में मेजर प्रोपोर्शन आ जाए तो मुश्किल होता है, मुश्किल होता है, वो थोड़ा हजम होने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। तब तक अगर हजम नहीं हो तो क्या होता है आपको मालूम है, तो वैसे नहीं होना चाहिए। और हमारी जो धरोहर है इसको बचाना हमारा अपना ही काम है। आए ना, बीच बीच में आते रहे हैं हमेशा, आपने देखा होगा पिछले जब से ये इंडस्ट्री कायम हुई है तब से आपने देखा ही होगा कि वेस्टर्न का इन्फ्लुएंस बीच बीच में हर म्यूजिक डायरेक्टर ने दिया हुआ है। फिर उसमें मदन जी भी हैं, नौशाद साहब तो माहिर वेस्टर्न म्यूजिक के, खुद ही अपना स्कोर लिखते थे वो, तो ऐसा नहीं है। मगर अगर 8 गाने हैं फिल्म में तो हो सकता है 8 के 8 गाने शंकर जयकिशन जी ने भैरवी राग के ऊपर आधारित गाने दिए हैं, और आप बिलीव नहीं कर सकते कि 8 के 8 गाने सुपर डुपर हिट, और एक दूसरे के साथ दूसरा एक दूसरा गाना मिलता नहीं। एक भैरवी में आप सोचिए सेम सुर लग रहे हैं मगर एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं मिलता गाना, तो कैसी सोच होती थी। आप लोग भी सोचिए ना, ये जो वेस्टर्न का जो पगड़ा डालना चाहते हैं लोग, आप सोचिए ज़रा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कर गए। आप सॉरी टू से बट 90% जो गाने हैं आज हम लोग सुनते हैं वो एक ही जैसे लगते हैं, इसमें कोई आप डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं सकते हो, एक ही जैसा रिदम बज रहा है, उसमें सोच नहीं है, उतार चढ़ाव नहीं है, तो मुश्किल होता है। आप करिए, समय के साथ बदलना चाहिए। तो हम लोग ये तो नहीं करेंगे कि कल से ट्राउजर हम लोग सिर पे बांधेंगे और शर्ट है वो नीचे पहनेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो तो बड़ा ही भद्दा और बदसूरत लगेगा। तो गाने को क्यों बदसूरत कर रहे हो आप? मगर ठीक है, अभी अभी हम लोग हो सकता है, अभी ये क्लासिकल का रियाजी लड़का है, हो सकता है नेक्स्ट गाना हमारा ऐसा कोई तोड़फोड़ क्लासिकल, वो भी वेस्टर्न अरेंजमेंट के साथ, दुर्गेश उसमें
एकदम ताने भी मारेंगे, सरगम भी गाएंगे, हो सकता है लोगों को और भी ज़्यादा पसंद आए। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है सर, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों ने देखा है जो पुराने गाने थे 5 मिनट से 6 मिनट की रेंज में हुआ करेगा, पौने 3 मिनट 3.5 मिनट पर फिनिश हो जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 40% उसका ड्यूरेशन तो कम हुआ ही, ये तो हम मानते हैं। तो क्या ऑडियंस का जो लिसनिंग कैपेसिटी है या हमारा जो पेशेंस लेवल है सुनने का वो कम हुआ है या कुछ और रीजन है? नहीं, क्या होता है कि आप अगर अच्छा मेलोडियस गाना देंगे और उसकी जो आत्मा है वो है शब्द लिरिक्स, अगर अच्छा देंगे तो आखिरी वर्ड तक आपका गाना सुना जाएगा कि ये हीरो क्या कह रहा है, अपनी बात किस तरह रख रहा है हीरोइन के सामने या सुनने वालों के सामने। अभी शब्दों को इतना बहुत ज़्यादा, या तो आप उसको सूफी बनाने के चक्कर में या उसको पंजाबी या क्या बोलते ना उसको, क्या कौन सा म्यूजिक कहते हैं उसको, भांगड़ा टाइप का जो भी होगा, तो और वो हर गाना इसलिए ऐसा होता है कि लोगों ने डांस करना होता है उसके ऊपर। अब हर गाना डांस का तो हो नहीं सकता, उसकी वजह से फिल्मों की सिचुएशंस बदल गई हैं। वो अगर कोई गाना देना हो तो बस एक लड़का गाता रहता है, लड़की गाती रहती है, पीछे 150 लड़के खाम खा इधर उधर हाथ पैर मारते रहते हैं। तो सो गाना आप किस लिए, ऐसे गाने भरने की ज़रूरत नहीं, कोई मतलब का गाना हो इससे अच्छा। बहुत सारी फिल्में ऐसी बनती हैं आजकल, गाना होता ही नहीं या बैकग्राउंड में होता है। कोरस सर जो ये फॉरेन में तो ये है नहीं, हीरो सामने गा रहा है और 300 लोग पीछे सेम कॉस्ट्यूम में डांस, आपको नहीं लगता कि थोड़ा फनी पार्ट है, इट शुड मतलब अभी इसको रिमूव करना चाहिए जो नेचुरल नहीं लगता है? वो जाएगा, अपने आप जाएगा, देखिए इसको साबुन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप धुल जाएगा। वो सोचिए ना आप, धारावी में शॉट चल रहा है, सडनली उठ के वो ट्यूलिप गार्डन में स्विट्जरलैंड चले गए या एम्स्टरडम चले गए, अरे कोई कनेक्शन है, कोई रेफरेंस है, कोई कॉन्टेक्स्ट है। तो आप देखिए पब्लिक जो है वो सब जानती है, उनको आप उल्लू नहीं बना सकते हैं, इसलिए पिक्चरें चलती कहाँ हैं आजकल, मुझे बताइए कौन सी पिक्चर शोले का रिकॉर्ड ब्रेक किया है? बॉक्स ऑफिस पे शायद किया है, बॉक्स ऑफिस पे बहुतों ने किया है, बट नंबर ऑफ डेज या ऑडियंस में आजकल हीरो फ्लॉप बॉक्स ऑफिस के नंबर से डिसाइड हो जाता है, 2 दिन में डिक्लेयर कर देता है हीरो। हां 100 दो दिन में 100 करोड़ मिल जाते हैं, 200 करोड़ हो गया, हिट हो गया, बट 3 दिन में देखा कितने लोगों ने, दैट इज आल्सो अ क्वेश्चन। मेरे ख्याल से हमारे जो यंगस्टर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं तो आप तो इटरनली यंग हैं सर, कैसे लग रहे हैं जितना कोलैबोरेट कर रहे हैं, हाउ डस इट वर्क बिटवीन यू गाइस, आई मीन यू बट योर यूथ। मैं तो इस गाने से मैं 10 साल पीछे चला गया, आपने सिर पे मेरे देखा है ना। तो अगर ये ऐसे ही गाने मेरे को देता रहेगा तो मैं आहिस्ता आहिस्ता मैं माँ के पेट में चला जाऊंगा। How do you feel working with young Suresh Vadkar? Oh, it's the most brilliant feeling. I'm still, for me, it's still something that I'm, you know, it's an experience of a lifetime, you know, because I've just started my career. I'm from a different country altogether, and for me, I was just saying, you know, telling someone else, the sound of India for me was Suresh's music. You know, this is how India sounded like. Suresh ji, Lata ji, Asha ji, these are my favorite artists. So for me to come to India and collaborate so early in my career to be featured on the same platform as this genius that I've looked up to all my life is the most brilliant experience. And I'll give you some examples. Like, you know, for me, I grew up outside of, you know, India, and classical music wasn't always available. But we used to watch some films, you know, I remember watching films like Saaz and you know, the one with More Ghar Aaye Sajan Wale. Kaun sa? Imandar. Imandar. Yeah.
सो ये जो वहाँ पे जो इनकी गाने हैं सुरेश जी के गाने यू नो क्लासिकल बेस्ड गाने भी हैं एंड देन ऐ जिंदगी की लहरें वो भी हैं ऑफ कोर्स बट जो क्लासिकल बेस्ड जो गाने हैं उस एक इट वाज लाइक एन एंट्री पॉइंट फॉर मी टू लर्न मोर अबाउट इंडियन म्यूजिक यू नो सो फॉर मी एंड तब से लेके अब तक लाइक लुक एट हिम ही हैज एन एज एट ऑल एंड व्हेन वी वर डूइंग दिस म्यूजिक वीडियो ही हैड फुल एनर्जी द होल टाइम And in fact, his acting and everything, you can see in the music video, I would encourage everyone to go check it out. Usme YouTube mein main sare comments padh raha hu, most of them are complimenting his phenomenal acting skills and how brilliant he looks. So I think it's a wonderful experience working with someone as young as him. How was the give and take between them? How receptive was he to your thoughts? Because he's such a better person. Yeah. Yes, yeah. So how was that? नहीं उसका जवाब मैं इसलिए देता हूँ कि ये जहाँ से आता है वहाँ के जो बच्चे हैं उनमें एक बहुत अच्छी चीज़ है जो चीज़ मालूम नहीं है वो डर के मारे या कॉन्शियस होके नहीं पूछेंगे ऐसा नहीं होता इनमें ये देता है सुना है मैंने इसकी बात भी सुनी है मैंने क्योंकि तो बहुत अच्छी बात है जैसे मेरी बेटी है अभी कितनी मेरे से कितना 4-5 जनरेशन छोटी है वो तो मगर वो एक तो फादर का लाड़ है मगर कोई चीज़ बतानी होगी तो वो आके बताती है छोटी मेरी और भी उसके आगे है ना तो इन लोगों में एक बहुत अच्छी बात है कि बिना कोई पर्दा रखते हुए कोई चीज़ पूछनी है तो पूछते हैं लोग और बहुत अच्छा लगता है और चूंकि मैं एक टीचर हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स तो बहुत सारी चीज़ें पूछते रहते हैं तो मुझे कोई वो चीज़ क्या कहते हैं ना डिस्टर्ब नहीं करती खलती नहीं मुझे इनका कभी इनफैक्ट अनन्या और मैंने बहुत इनको सताया है कि सुरेश जी ये वीडियो शूट के बाद ये एक प्रोमो वीडियो लेंगे अभी एक फोटो शूट करेंगे यहाँ पे बिकॉज वी आर ऑफ दैट सोशल मीडिया जनरेशन और यहाँ तक खत्म होने के बाद भी तो एक दिन मेरे को इन्होंने फिर सताया था मुझे नहीं वो ऐसे 2-3 शॉट्स लेने हैं जी बट एक तो उनके साथ फिर पद्मा भी लग जाती है नितिन जी भी लग जाते हैं पद्मा जी इज ऑन आवर टीम सो शी इज विद अस बट सुरेश जी विल नेवर से नो ever he will never hear oh, ha beta karte hain kya karna hai batao so he's always very receptive but that's a sign of you know look at him he's still doing music with you know the new age musicians he's still going strong a lot of his if he weren't this way if he wasn't easy to work with perhaps might have faded away but the fact that he's moving with times he's so creatively just so accepting and welcoming of new generations of musicians that's why he's Suresh Vardhan नहीं स्पेशली अभी या दुर्गेश कहिए कि ये बेसिक म्यूजिक जानने वाले बच्चे हैं दोनों तो ऐसे बच्चों के साथ काम करना क्या कहते हैं ना कि एक थोड़ा सा सेफ भी लगता है और मेरी बात को सुनेंगे उसकी वाह वाह करेंगे तो मिलजुल के जो चीज़ बन सकती है वो मानले में हमने लाने की कोशिश की है क्योंकि ये भी क्लासिकल फैमिली से बिलोंग करता है और इसको जब मैंने सुना पहले ताने वाने क्या मारता है सरगम क्या गाता है और बहुत इजी गला चलता है तो हमारे बिरादरी के हैं तो साथ में काम करना बहुत अच्छा लगा और प्लस आज का म्यूजिक भी हैंडल करते हैं ये लोग तो उसमें से मुझे भी सीखने को मिलता है और मैं वैसे भी आज भी मैं एक स्टूडेंट हूँ जो कोई हर अच्छी चीज़ को सीखना चाहता हूँ मैं फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ ड्रीम कम ट्रू साथ में बैठना भी हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात है एंड जैसे सर ने बताया मानले में वी हैव एक्चुअली केप्ट इट कि सर के जो पार्ट से जो अगर आप सुनेंगे तो वो टूवर्ड्स इंडियन स्टाइल है एंड जो एबी गा रहे हैं दैट इज़ मोर ऑफ अ वेस्ट तो उन सबको मिक्स करते ही रखा है एंड आगे तो जो जैसे हमारे प्रोड्यूसर कहेंगे पद्मा जी वैसे अगला ट्रैक बन जाएगा अगला What kind of song would you like to do with them? If
रोमांटिक नंबर विद इन सर्स वॉइस मतलब इट विल बी अ ड्रीम कम ट्रू एक नंबर और कम करिए आज 15 कर लीजिए For me, he's a singer and a guru. I mean, first a guru actually for me. So, and he's a fantastic human being. So, it's hard to summarize the artist Suresh ji. For me, it's very hard to say it in few words. But I see him as perfection personified. For me, he's truly perfection personified. And the fact that he's also such a good and down to earth and simple human being, that is epic. Are you worried about him getting younger? I'm worried about me getting older. Sir, आपने बोला कि आपकी डॉटर अनन्या ने आपसे तो उनका कितना इनपुट है और उन्होंने जब भी वीडियो देखा तो उनका क्या रिएक्शन था? मेरी अनन्या एक बहुत ही टैलेंटेड बच्ची है, मेरी बेटी है, इसलिए नहीं बोलता हूँ मैं, क्योंकि वो अभी 22 साल की है। इस एज में उसको म्यूज़िक की जो समझ है वो कुदरतन है, भगवान ने उसको वो गुण दिया है और मेहनती है, बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा सितार बजाती है और आगे के समय में वो कुछ ना कुछ म्यूज़िक में करेगी, ये उससे मुझे अपेक्षा भी है और भगवान का आशीर्वाद भी मांगता हूँ मैं उसके लिए। और उसको बहुत शौक है, उसको हर तरीके का म्यूज़िक सुनने का उसको बहुत शौक है और वो उस तरफ मेहनत भी करती है। अगर कोई चीज़ अच्छी सुनी तो उसको गाना उसके साथ या उसको बांटना अपनी माँ के साथ, मेरे साथ थोड़ा सा क्या कहते हैं ना कि थोड़ा सा एक आउट ऑफ रिस्पेक्ट थोड़ा सा गैप हो जाता है, मगर ये दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं तो एक दूसरे को बताती रहती है कि एक बहुत अच्छा गाना सुना, एक दूसरे को सुनाती रहती है। उसमें पद्मा को लगता है कि ये गाना सुरेश को भी सुनाना चाहिए तो वो फिर मेरे तरफ आ जाता है, मगर बहुत मेहनत कर रही है और कुछ ना कुछ उसका होगा तो उसकी सजेशंस भी पद्मा के थ्रू मेरी तरफ आती है, वो डायरेक्ट मुझे नहीं बोलती, जो एक अच्छी भी बात है कि फादर का इतना पास रखना, इतना क्या कहते हैं ना, रिस्पेक्ट रखना आज के बच्चे को ज़रा रेयर होता है। आज का बच्चा तो हो सकता है फादर के कंधे पे हाथ रखे भी बात कर सकता है, हमारे वक्त पे तो दो गाल पे पड़ती थी अगर नज़दीक भी आते थे तो वो ज़माना अलग था। मगर ये मेरा बच्चा जो है वो जो कुछ कहना है वो अपनी स्पोक्समैन की थ्रू ही बोलती है तो उसकी बहुत अच्छी अच्छी होती है और बहुत अच्छा गाना जानती है, इसलिए वो उसकी सजेशन कभी खराब नहीं होती। जी जी डेफिनेटली बोलना है गाना, हम तीनों गाते हैं ना, खाली मुखड़ा गाते हैं। ओ कभी कभी यारा शुरू, अच्छा शुरू करना है, नहीं मुझे लगा शुरू करना है।
ओ कभी कभी यारा रे दिलदारा मेरी मान ले मैं भी कभी यारा तू भी कभी यारा रे दिलदारा तेरी मान लो Thank you. Yes.